आंठू भितर गोटे फ्लुइड थाए जोटा को आम कहू साइनोवियल फ्लुइड। तो से फ्लुइड्र प्रॉपर्टी हूँ कि सी से लिगामेंट को पुणी थे बनवाई दिनी पोस्ट ऑपरेटिव रे आमर कौन हुए कि थाइर जो मसल रहीगला बैक ऑफ द थाइर जो मसल रहीगला से मसल जो वॉल्यूम थिला जो गर्थ थिला सेटा धीरे 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 रिड्यूस हो जाए या यूजुअली आम मसल वेस्टिंग कहते द मोमेंट आप फिजियोथेरापी करेंगे द मोमेंट आप जिम जी द मोमेंट आप पुणी थे एक्सरसाइज रूटीन को पलैबे द अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड ग्रेजुअली पुणी थे कन्वर्ट हो मसल मास रे आपंकर कन्वर्ट वन्स यू आर इन ए रूटीन। तो आई थिंक रिकवरी वन मंथ वन एंड हाफ मंथ लोक कर दिखते हैं विदिन टू मंथ आप प्रोफेशन को डेफिनेटली फेर जाइ परियो। नमस्कार दर्शक बंधु मु मनीषा आपण माने देखु चंती न्यूज 18 लोकल। दर्शक बंधु शरीर अछि तो रोग अछि किंतु रोग को सठिक समय रे जानिबा एवं तार चिकित्सा करबा निहाती आवश्यक खास आपण मानक पई आज रा हमर एही कार्यक्रम। दर्शक बंधु आज हमें जानिबा लिगामेंट इंजुरी कोन लिगामेंट इंजुरी काहे के हुए साधारणत वयस बढ़िया सहित शरीर में विभिन्न रोग होइथाय ए सब संपर्क में आलोचना करने आम सहित अच्छा डॉक्टर आकाश महापात्र आसंस कथा एवं पचार बुझा ए लिगामेंट इंजुरी संपर्क में फास्ट सर आपको न्यूज 18 लोकल को वेलकम करुच्ची अच्छा मुँ तो बहुत भल अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल मु बहुत बहुत धन्यवाद जनवाई चाहिए न्यूज 18 लोकल को एवं मनीषा को इनवाइट करवाई। तो आमर जोटा लोक मानकर बहुत सारा क्वेरी थाए लिगामेंट इंजुरी उपरे केमती लिगामेंट इंजुरी आम जापर कौन चिकित्सा अच्छी नकले कौन हम जहाँ भी साधारण लोकंर प्रश्न थाए मु तार सब होप करी कि मुझे सब उत्तर दे पारि जोटा कि लोक मानी बहुत हेल्पफुल हम। आज्ञा सर आम प्रथम जानवा कि लिगामेंट इंजुरीटा कौन कहीं लिगामेंट इंजुरी होता है। तो लिगामेंट इंजुरी बुझापी फर्स्ट आमको बुझापी पड़ो कि लिगामेंट कौन। तो लिगामेंट गोटे टफ बैंड ऑफ टिश्यू जोटा कि दीटा बोन को कनेक्ट करता है। जदि दीटा बोन को आम इमाजिन करवा गोटे पथर भाया कि गोटे हार्ड जिनस गोटे टफ टिश्यू गोटे कनेक्ट करता है गोटे दौड़ी भाया लिगामेंट कह जाए। तो लिगामेंट इंजुरी यूजुअली दुटा कारण होता जो मैंने हाई एनर्जी स्पोर्ट्स इनवल्व था क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन हॉकी जो खेल होगा एवं सेकंड ऑफ ऑल जोटा कि आम अनफॉर्चुनेटली जो एक्सीडेंट दुर्घटना जोटा होता है से जितेबाला बहुत मात्रा रे फोर्स पड़े से दुटा बोन भितर थिबा से जो टफ स्ट्रक्चरटा जोड़ा दौड़ी भाया थाएटा छिंडी जाए। तो तार ग्रेड ऑफ इंजुरी अच्छी बट एटा ही है लिगामेंट इंजुरी दिस इज द लिगामेंट इंजुरी जोड़ा कथा सर आम देखी कि लिगामेंट इंजुरी पर आम ऑपरेशन हमें कितना ऑपरेशन रस मस धरी दरज रही था तो से टाइम रोगीटी घर चिकित्सा कौन कर। आज्ञा तो एक्चुअली आमको बुझापी पड़ो कि आमर दरज कौन रोच बिकज लिगामेंट्र प्रथम तो कम हो कि दीटा हाड़ भितर गोटे स्ट्रेंथ मेंटेन करवा भितर गोटे टाइटनेस मेंटेन करवा। तो जितेबाला लिगामेंट इंजुरी होता है यार डिफरेंट ग्रेड ऑफ इंजुरी थाए जितेबाला पार्शियल टीयर थाए जोटा कि अल्प मात्रा इंजुरी होता है कि कंप्लीट टीयर होता है जो थे कि लिगामेंट संपूर्ण रूपे नष्ट होता है। तो जितेबाला संपूर्ण रूपे टीयर हो जाए से आमको नुआ लिगामेंट बनवाई पड़े कहीं बनवाई पड़े बिकज आपणकर लिगामेंट ऑटोमेटिकली के रीजेनेरेट हुए कहीं बिकज आम आंठू भितर गोटे फ्लुइड थाए जोटा को आम कहूँ साइनोवियल फ्लुइड। तो से फ्लुइड्र प्रॉपर्टी होउछि कि सी से लिगामेंट को पुणी थे बनवाई दियनी एवं जेहेतु से टिश्यूटा ऑलरेडी इंजर्ड थाए मोर देन से साइनोवियल फ्लुइड ताको डाइजेस्ट करने चेष्टा करे। तो एथिपाई आमर लिगामेंट ऑपरेशन करी गोटे नुआ लिगामेंट क्रिएट करी कैमरा माध्यम रे जोटा कि आर्थ्रोस्कोपी ऑपरेशन कहउछन्ती से माध्यम रे आमे नुआ लिगामेंट को तयारी करथौ। ऑपरेशन परे काहीं बथा रही था बहुत भल है आप प्रश्न पचारे बहुत जन पेसेंट था घर को पलांती ऑपरेशन परे एंड तापर कंप्लेन करते कि मोर हो। तो एमको बुझापी पड़ो कि आम मेनली मुझ नी लिगामेंट विषय में कहूँ जोटा कि एसीएल पीसीएल दुटा कमन लिगामेंट थाए जोटा कि इंजुरी होता है। तो आम जब फंक्शन व्वज देखू नी लिगामेंट्रे दि प्रकार फंक्शन थाए तो नी को स्टेबिलिटी देवाई आमर दि प्रकार स्टेबिलाइजर थाए गोटे है स्टैटिक स्टेबिलाइजर जहाँ लेंथ बेसी बड़ हेनी जोटा कि है लिगामेंट मैंने टफ स्ट्रक्चर आउ गोटे जिनस हूँ आम मस्कुलर टिश्यू जोटा कि आम फ्रंट ऑफ थाइरे जो मसल रहीगला क्वाड्रिसेप बैक ऑफ द थाइरे जो मसल रहीगला हैमस्ट्रिंग किंबा काफ एगुड़ा है सब डायनामिक स्टेबिलाइजर। तो ऑपरेशन पर कौन हुए आम यूजुअली स्टैटिक स्टेबिलाइजर जोटा थाए जहाँ लेंथ चेंज हुए तो स्ट्रक्चरली आम नी को ठीक कर दो किंतु नीर स्टेबिलिटी पाई दी जनकर इक्वल इंपोर्टेंस थाए 50-50 जिनसटा थाए। तो जितेबाला पोस्ट ऑपरेटिव रे आमर कौन हुए कि थाइर जो मसल रहीगला बैक ऑफ द थाइर जो मसल रहीगला से मसल जो वॉल्यूम थिला जो गर्थ थिला सेटा धीरे 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 रिड्यूस हो जाए या यूजुअली आमर मसल वेस्टिंग कहते।
तो ऑपरेशन परे इमीडिएटली आमको फिजियोथेरापी को जीवा पाई पड़े। फिजियोथेरापी आम कौन करवा यूजुअली बहुत मात्रा रे आमको एक्सरसाइज करिवार नहीं, दी तीन टा मसल एक्सरसाइज करियार थाए जोटा कि होची फ्रंट ऑफ थाए बैक ऑफ थाए आउ काफ रो। तो जेते बेले आमर डायनामिक स्टेबिलाइजर जो मसल गुड़ार जेते बेले स्ट्रेंथ आसी जाए सेते बेले आमर आउ सेई पेन रहिबनी। तो ऑपरेशन परे जदि पेन होची दैट मीन्स कि नीज टेलिंग कि मोर डायनामिक स्टेबिलाइजर और मसल गुड़ाक विक अच्छी। तो मसल स्ट्रेंथ पे आम ध्यान देवा एंड ता सहित आम प्रोटीन जातीय और कैल्शियम जातीय खाद्य खाइबा जो गुड़ा कि आमर पोषण दियंती मसल पे। आज्ञा सर आम जी देखा कि लिगामेंट इंजुरी जनकर किसी चिकित्सा नकला देन कौन प्रोब्लेम हुए? अच्छा तो लिगामेंट इंजुरी रे आपण बहुत भल प्रश्नटी पचारे। तो लिगामेंट इंजुरी रे आमर यूजुअली चारटा ग्रेड ऑफ इंजुरी थाए। तो धरि दियंतु कि गोटे लिगामेंट और गोटे दौड़ी टाइप स्ट्रक्चर जोटा अच्छी सीए केबे भी कम्प्लीटली छिंडेनि। तो जदि आमर जो ग्रेडिंग अच्छी ताको ग्रेडेशन रे आमे डिवाइड करथौ ग्रेड 1 2 3 एंड 4। ग्रेड 1 रे आपण भावंतु कि जस्ट किछि फाइबर ऑफ द लिगामेंट छिंडीचि तो से केस रे आमको यूजुअली ऑपरेशन दरकार हुए नी अनलेस एंड अंटिल आमे जदि बहुत हाई लेवल रे आमे स्पोर्ट्स खेळुछु। सेकंड हे गला कि आमर जोटा कि पार्शियल टियर कुवंदि माने मोर देन किसी फाइबर आमर छिंडी थाए लिगामेंटर। तो ए केस रे जदि आमर मसल स्ट्रेंथनिंग आम करदेचु फिजिओथेरापी करके जदि क्वाड्रिसेप हामस्ट्रिंग एवं काफ ठीक अच्छे आम जदि हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी लाइक डांसिंग किंबा किसी आथलेटिक्स आम नाहूँ देन ऑपरेशन पर न गले भी कि सेमती किसी विशेष असुविधा हेनी। किंतु ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जोटा कि नियर कम्प्लीट टीयर एंड कम्प्लीट जितेबाला टीयर हो जाए लिगामेंट से केस रे कौन हुए आम जदि चिकित्सा न करवा। तो आपण इमाजिन करूँ जो फोटो फ्रेम रे दुईटा कंटा देकि आम लगे था तो दुईटा जाक लिगामेंट रो इक्वल इंपोर्टेंस थाए सो दैट कि से फ्रेमटा स्टेबल होकर थाए। तो जदि गोटे नट रही देन से फोटोटा आपणकर हलिज गोटे पटे एंड ताकू स्टेबल रखापी पुणी थे नहीं रखापी पड़े। तो आमर जो इंपोर्टेंट लिगामेंट ACL PCL अच्छी सेमती आम नी को स्टेबल कर रखता। तो जदि कम्प्लीट टीयर गोटे लिगामेंट हो एंड आम तार ऑपरेशन करूनु देन से नीटा अनस्टेबल रहीगला। तो जितेबाला लोकटी टिके टिके भी जोर रे चलिया चेष्टा करिवे तांको आंठूटी बुली जिवो एंड तांको आंठू धीरे धीरे घसीबा स्टार्ट हबो। तो नॉर्मली जो एज रे आर्थराइटिस स्टार्ट हवा कथा धनियंतु 50 55 60 रे तांको केस रे जेहेतु तांको नीटा लैक्स अच्छी एंड नी भितरे फ्रिक्शन बहुत हे चालुचि फॉर मेनी इयर्स तो सेमाने अर्ली एज आर्थराइटिस भी तांको केस रे डेवलप कर जीवार बहुत चांसेस अछि। आज्ञा सर आमे साधारणतः देखि छथि कि लिगामेंट इंजुरी रो ऑपरेशन परे व्यक्ति रो ओजन बढ़ी थाए तो फैटनेस टिके अधिक होइ थाए तो सेही सब केस रे कोन व्यक्ति करिया उचित? यस एटा भी तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जोटा कि लोक माने फेस करथांती। तो यूजुअली ऑपरेशन परे फर्स्ट ऑफ ऑल आमर वेट केमती बढ़ी थाए ये जदि आमे देखिया पई जीवा आमो बॉडी रे द परसेंटेज ऑफ मसल एंड परसेंटेज ऑफ फैट सबले वेरी करू थाए। जब आम एक्सरसाइज करुचु और जितेबाला आम नॉर्मली किसी एक्टिविटी अच्छे सबुदिन प्रत्येक दिन आम समस्ते कि ना कि काम करुचु व्यक्तिगत जीवन में हो कि प्रोफेशनल लाइफ रे हो। तो जितेबाला गोटे लोक इंजुरी हुए से इंजुरी पर किसी दिन सी घरे बसी जाए देन ऑपरेशन हुए देन ऑपरेशन रिहैबिलिटेशन फेज जितेबाला स्टिच आउट है से टाइम रे भी बहुत जन फिजिओथेरापी बहुत अर्ली फिजिओथेरापी करती। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपण कही पारंती कि मासे दि मास धरिकी गोटे लोक किंबा महिला से सब बसी जाती बसिले हुए कौन आम जो कौन सी भी लोक आम जब रेगुलरली काम करूनु तेब आमर हम कौन कि आमर जो परसेंटेज ऑफ मसल वेटा अच्छी सी धीरे धीरे कन्वर्ट होकर फैट को पलाए। दैट्स व्हाई कौन हुए सेमती इन जनरल आमको जी देखिए मानने लोक मान देखे आपड़ कह ना ओजन बढ़ी जाइए बिकज द परसेंटेज ऑफ मसल टा कन्वर्ट हो फैट रे बिकज आम बॉडी बहुत अडाप्टेबल थाए। द मोमेंट आप फिजिओथेरापी करेंगे द मोमेंट आप जिम जी द मोमेंट आप पुणी थे एक्सरसाइज रूटीन को पलैबे द अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिटेड ग्रेजुअली पुणी थे कन्वर्ट हो मसल मास रे आपणकर कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज द इश्यू लोक फेस करती। तो आम एवं कौन एडवाइस करूँ एज सुन एज ऑपरेशन सरुची आम डे 1 रे मोबिलाइजेशन स्टार्ट करूँ सो दैट कि पेशेंट नेक्स्ट डे रे फ्यू स्टेप्स चलो विदिन 10 डेज जब जाए तार स्टिच आउट होती आम एम रखू कि पेशेंट जमी घर भितर मोबिलाइजेशन विथ स्टेयरकेस क्लाइंबिंग आम करदे थाउ सो दैट नेक्स्ट जो फिजिओथेरापी आम करूँ 10 दिन मसे कि 2 मास जाए से लोक केबे भी प्रोलंगड इमोबिलाइजेशन रहिलानी। तो ए जो इश्यू केबे भी आसीबनी जदि आम डे 1 आफ्टर द सर्जरी जदि आम लाइक मोबिलाइजेशन जदि आम स्टार्ट करतु। आज्ञा सर जी तो ओवरऑली हमें कहबा कि लिगामेंट इंजुरी रा ऑपरेशन पर फिजियोथेरेपी मोस्ट इंपोर्टेंट। यस डेफिनेटली हमें जेमती फर्स्ट भी कथा आले कि माने लिगामेंट इज द स्टैटिक स्टेबिलाइजर ऑफ द नी बट आमर नी को जो मैंने धरिकी रखि था डायनामिक स्ट्रक्चर जो मानकर लेंथ हमें बढ़े पार कमे पार दिज आर द मसल्स लाइक आपण फ्रंट ऑफ द थाए
क्वाड्रिसेप्स, बैक ऑफ द थाई, हैमस्ट्रिंग एंड काफ। तो इमेजिन करूँ नी को जदि आप केवल रॉ बोन रे इमेजिन करेंगे कि अच्छा उपरे गोटे हाड़ अच्छी, तले गोटे हाड़ अच्छी, मझे दुईटा आम स्ट्रिंग भाया लिगामेंट धरिकी रखी, एंड दिस नी इज सपोर्टेड बाय द मसल्स। लाइक आम जो रनिंग करूँ जार मसल मास जिते भल अच्छी दे कैन रन फास्टर देन अस। तो आम इमेजिन करवाक पड़ो कि आम आफ्टर द लिगामेंट आम स्टाटिक जोटा स्टेबिलाइजर थिला नीर सेटा आमर सिक्योर्ड हो गला, बट जो डायनामिक मसल गुड़ाक अच्छी तार पाई आम फिजिओथेरापी करूँ। जिते आप फिजिओथेरापी करेंगे, एक्चुअली फिजिओथेरापी भी दी प्रकार होता है। आपण जो इनिशियली करेंगे से माने बहुत वेट देवेनी, अल्प वेट्रे आपको रिपीट करने कहे सो दैट कि मसल जोटा थिला जी तार लेंथटा जो शर्ट होता से लेंथटा तार गेन कर। ग्राजुअली से माने देखिए धीरे धीरे आपको ओजन टी बढ़ावा कहे, लाइक 5 kg 10 kg 12 kg 15 kg करने कहे। आफ्टर लेंथ आप मसल पुणी थे एचिव करगला जोटा कि डायनामिक मुझे तापर से मसल ग्रोथ होगा लगे, लाइक मसलटा जो पतला था धीरे 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 मोटा होगा लगे। एंड आम देखु कि यूजुअली 2 to 3 months टाइम लगे, बट जब जाए दीटा जाक थाए दीटा जाक नी आप देखिले जब जाए टी सिमिलर देखा जाए, जोटा हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी होगा स्पोर्ट्स, डांसिंग, रनिंग, स्विमिंग, ए स्पोर्ट्स को आम जीवाई टी मना कर था, बिकज नहले कौन हम कि भितर डिस्प्रोपोर्शनेट वेट शेयरिंग हम फॉर दैट कि चांसेस ऑफ री इंजुरी भी थाए। तो फैशन स्पोर्ट्स डांसिंग टाइम डेफिनेटली जो मानक पैशन अच्छी तो से मानक केस ऑपरेशन गुड़ाक मोस्टली डिजाइन होती से केस। तो मुझे ये कह कि जिते जल्दी आप सर्जरी करते भल, बट इनिशियली बेले बेले ग्रेड ऑफ इंजुरी बहुत बेसी थाए कि इनिशियली 7 to 10 days करा हुए नी, बट एज सुन एज आपंकर ऑपरेशन सरुची डे 1 रु पेशेंट को सब बेले वॉकिंग आम एडवाइस करें मोटिवेट कर। एंड सेठी रोल ऑफ द फिजियोथेरापिस्ट इज वेरी इंपोर्टेंट, रोल ऑफ द डॉक्टर इज वेरी इंपोर्टेंट, एंड सब इंडिविजुअल अलग आम समस्त हाइट, वेट, प्रोफेशन, निज टू एक्सपेक्टेशन बहुत अलग थाए। तो से ही अनुसार ये जो फिजिओथेरापी हो गला गोटे फिजिओथेरापिस्टर सजेसन एंड गोटे डक्टर सजेसन सब बेले पर्सनालाइज थाए। यहाँ गोटे पर्सनालाइज हेले ही लोक सेत बेसी फायदा पाइब ऑपरेशन परे, बिकज जड़े जदि स्पोर्ट्स खेलुची लाइक स्पोर्ट्स रो भी कैटेगरी अच्छी कि सी डिस्ट्रिक्ट लेवल ले खेलुची कि जूनियर लेवल ले खेलुची कि लाइक आम स्टेट लेवल ले खेलुची कि इंटरनेशनल खेलुची। तो से ही अनुसार आम रिहैबिलिटेशन सेंटर सब कराई थाए जो मानकर प्रोफेशन थाए। इट्स आवर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कि से जगह को केते जल्दी फेरिकी जिबे। तो तांको केस रे जो पर्सनालाइज्ड केयर होगा पर्सनालाइज्ड तांको दिया हबो कि आज आपण एया खाइबे एया करिबे एती करिबे वन्स यू आर इन ए रूटीन। तो आई थिंक रिकवरी 1 month 1.5 month रे लोक कर दिखती एंड विदिन 2 months आप प्रोफेशन को डेफिनेटली फेरी जाइपर। आज्ञा सर बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देले और कार्यक्रम को सफल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय जगन्नाथ। निश्चय भाव दर्शक बंधु आप देखुले कि डॉक्टर आकाश महापात्र आपको बुझे कहते कि लिगामेंट सर्जरी केमी करेंगे, लिगामेंट सर्जरी पर किभली भाव में आपर जत्न ने, फिजिओथेरापी मोस्ट इंपोर्टेंट जी आप लिगामेंट ऑपरेशन करुँचे फिजिओथेरापी निश्चित भाव करेंगे। आज कार्यक्रम को रखुची, रही नमस्कार।